जी सक्खर होने वाली तबाहकुन बारिशों ने सक्खर शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया। कोई रोड रास्ता जो है वो ऐसा नहीं है जहाँ पे कई कई फुट पानी ना हो। पानी तो निकाल दिया गया है लेकिन उसके बाद जो वहाँ कचरा है, गंध है, उसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। ताफुन की वजह से जो है मच्छर बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बच्चों में जो है पेट की बीमारियाँ जो हैं वो बढ़ रही हैं, गैस्ट्रो की बीमारियाँ जो हैं। इस वक्त भी सिविल अस्पताल में तकरीबन 24 घंटे में 50 से ज़्यादा जो हैं बच्चे जो हैं लाए गए हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त मैं नवे गोट के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या मसाइल हैं, क्या बताएं क्या मसाइल हैं यहाँ? देखिए, बात यह है कि ज़िंदगी में पहली बार इतनी बारिश देखी है। शुक्र है कि बारिश के बाद पानी का तो मामला थोड़ा हल हुआ कि वो डाउन हो चुका है। उसके बाद जो ताफुन है, जो कचरा पड़ा हुआ है लोग, जिसकी वजह से जो है बीमारियाँ फैल रही हैं, मच्छरों की बोतात है, मक्खियों की बोतात है, इसमें बीमारियां फूट रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में जो है एडमिशन शुरू हो चुकी है बच्चों के। खुदा रहा इस तरफ इंतज़ामिया सो रही है, इंतज़ामिया को जागना चाहिए। ये जो मामलात हैं, जो इंसानी ज़रूरियात हैं, इसको देखते हुए फौरी तौर पे जो है इस पर स्प्रे करवाया जाए। ये पेट के मसाइल है, पेट में हर एक पेट की बीमारी में मुफ्त है, और पानी भी गंदा आ रहा है और पानी भी साफ नहीं आ रहा है। आपने लोगों की बात सुनी, उनका कहना है कि जो ताफुन फैल रहा है उससे ज़्यादा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये लोग इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि स्प्रे किया जाए और इन बीमारियों को रोकथाम के लिए जो है इकदाम किए जाए।